क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से करने वाले हैं चैप्टर 2 का फटाफट रिवीजन। फ्रॉम वेयर नरेटर स्टार्टेड जर्नी, नरेटर ने कहां से अपनी जर्नी शुरू की थी, प्लायमाउथ इंग्लैंड से, है ना, प्लायमाउथ एक जगह है इंग्लैंड में, वहां से। कब शुरू करी थी, विच डेट, जुलाई 1976। किसके साथ शुरू की थी, विद हूम, उसकी वाइफ के साथ और दो बच्चों के साथ। वाइफ का नाम क्या था, मैरी। लड़के का नाम क्या था, बेटे का, जोनाथन, जो कि 6 साल का था। डॉटर का नाम क्या था, सुजैन, जो कि 7 साल की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7, हूज रिकॉर्ड नरेटर वांटेड टू डुप्लीकेट, किसका रिकॉर्ड वो तोड़ना चाहता था या किसके जैसा वो रिकॉर्ड बनाना चाहता था, कैप्टन जेम्स कुक। एज ऑफ नरेटर, नरेटर की एज क्या थी, 37 ईयर्स। नेम ऑफ द बोट, उसकी बोट का नाम क्या था, वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबी थी और 30 टन उसका वजन था। नेम ऑफ द क्रूमैन, जो उसने हेल्पर रखे अपने साथ, उनका नाम क्या था, एक का नाम था लैरी विजिल, दूसरे का नाम था हब सिजलर। व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज प्लीजेंट, उनका जो जर्नी का कौन सा पार्ट खुशनुमा रहा, बढ़िया रहा, फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट फेज था वो अच्छा रहा, जो कि था इंग्लैंड से लेके जब वो केप टाउन आए कोई दिक्कत नहीं हुई। Why did the author hire the two crewmen? Author ने जो दो हेल्पर रखे वो क्यों रखे? To help tackle one of the world's roughest seas. क्योंकि उसे पता था जहां पे वो जा रहा है वो जो समुंदर है वो बहुत ज्यादा रफ है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो वहां पे उसे जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13, When did the waves start getting gigantic, means जो वेव्स हैं, जो समुद्र में उठने वाली लहरें, कब वो बहुत बड़ी होने लगी, 2 जनवरी को। What did they do to slow down the boat in the storm? उन्होंने जब स्टॉर्म में अपनी बोट को रोकने के लिए, धीरे करने के लिए क्या किया, जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, जो स्टॉर्म जिप जो बंधे हुए थे उन्होंने उसे नीचा कर दिया, ड्रॉप कर दिया। What did the author see when his head popped out of the water? अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो ऑथर है वो पानी के अंदर गिर गया था, जैसे ही उसका सिर बाहर निकला पानी से उसने क्या देखा, The ship was near capsizing, जो जहाज है वो लगभग डूबने ही वाला है। Who said we are sinking, किसने ये वाला स्टेटमेंट दिया कि हम डूब रहे हैं, His daughter Suzanne, उसकी डॉटर सुजैन ने कहा। What had happened to Sue? अब देखो कई बार S-U-E वर्ड आएगा, ये आया है सुजैन के लिए, जो ऑथर है वो अपनी बेटी को प्यार से सू बोलता है। When the author entered their room, बच्चे जो थे जिस रूम में थे, जब ऑथर वहां पे गया तो उसने क्या देखा, Her head hurt as there was a bump, जो लड़की थी सुजैन उसके सिर में चोट लगी हुई थी क्योंकि वहां पे उसने एक बम्प देखा, जैसे जिसे हम घूंगड़ा बोलते हैं ना, वो हो जाता है मोटा सा जब सिर टकरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवास, जो कैनवास था उसे बिछाने में कैसे मैनेज किया उसने, बाय रिपेयरिंग द होल्स, जो होल्स हो गए थे उसने उसे रिपेयर कर दिया। वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्स एंड द शिप, उन्होंने कहां पहुंचने का डिसीजन लिया अपने आप को बचाने के लिए और अपने शिप को, आइल एम्स्टर्डम। हु सेड, किसने ये वाली लाइन कही जो चैप्टर का नाम है, वी आर नॉट रेडी टू अफ्रेड इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर, जॉन, J-O-N, जो कि एक्चुअली उसका बेटा था जोनाथन, हिज सन। सो आई होप जल्दी से ये जो क्विक रिवीजन मैंने आपको करवाया है पूरे चैप्टर का आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना ये जो मेहनत कर रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, और जल्दी ही आपके लिए लेके आने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो। बाय।